हम लोग जा रहे हैं रेगिस्तान में। चलो भाई रास्ता तो, ओए ओए भाई आराम से, क्या हो गया? किला जाना तो ऐसे ही है जैसे मौत को दावत देना। अरे भाई साहब घर से नहा दो कैसे पप्पू शप्पू बन के निकले हो ना, तो बहुत गलत किया आपने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे एक लाल रंग का बटन है इस तरह का, उसको फटाफट सब्सक्राइब करो और जो मर्जी फेंक के मार सब्सक्राइब लाजमी करो, बेल आइकन लाजमी प्रेस करना ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हम लोग मौसम को देखें ना तो धूप बहुत ही तेज़ लगी है, और इस चार साल पीछे चले जाए ना इन्हीं दिनों में, यानी कि 6 अक्टूबर आज तो पिछले साल से पिछले साल 6 अक्टूबर चले हैं, तो काफ़ी मौसम चेंज हो जाता था इन दिनों में, लेकिन अभी वही गर्मी वही धूप, कोई तब्दीली नहीं। लेकिन साइकिल दौक मैंने ऊपर स्टोर रूम में, क्योंकि इसका इस्तेमाल है नहीं, मैंने कहा चलो वैसे ही पड़ी नीचे फिर जंगलूद हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, चलो मैंने कहा दो धूप के ऊपर रख देते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, जंगल हम लोग अब जा रहे हैं जी, जंगल में, जंगल से मुराद अपना गार्डन, पूरा जंगल बना हुआ है, इसमें इतनी ज़्यादा जड़ी बूटी हो गई ना कि मैं डरता जाते नहीं इसके अंदर कि सांप या कीड़े मकोड़े ना हो, क्योंकि इन दिनों में निकलते हैं ना, फिर इसको नहीं ले सकता मैं, क्योंकि पहले ही मेरे पाँव का मसला है, तो फिर और कोई मसला बन जाएगा इसके साथ साथ, इसलिए भाई साहब हम लोग इधर नहीं जा रहे फिलहाल। इन क्यारियों में पानी लगाने वाला है, सारी खुश्क हुई हैं, और मैं पता क्या सोचूं, मैं सोच रहा इधर घास को निकाल के ना यहाँ पे टफ टाइल लगा दी जाए, जिस तरह की टाइल लगी है ये वाली, तो ये वाली टाइल इधर लगा दी जाए ताकि खेलने कूदने के लिए हो जाए, और साइडों पे जो से वो क्यारियाँ रहेंगी पौधे ऐसे। तो भाई क्या अभी मैंने पानी लगाया ना, तो चिड़ियाँ आ गए पानी में खेलने लगी हैं, पीने लगी हैं जो भी हैं, लेकिन लगता अब इनके लिए पानी रखना पड़ेगा। मेरा ना एक पार्सल भी आ गया, तो मुझे अभी कॉल आ गई है तो वो भी रिसीव करने जाना, तो वैसे धूप को देख के ना मेरा मूड थोड़ा सा चेंज हो गया, मैंने कहा चलो शाम को चलेंगे, थोड़ी सी धूप भी कम हो जाएगी, और जो हमारी ट्रैफिक है रोड पे वो भी बहुत ज़्यादा, और मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, पूरा रेगिस्तान बना हुआ, तो मैंने सोचा चलो शाम को ही चलेंगे। बस इस पर लगा दिया, और वो वाली गाड़ी लग गई, वो वाली बस, बाकी उधर दो फ्रंट पर रह गई हैं, उनको फिर से मुझे याद आया कि उधर भी एक पाइप लगा हुआ है, वो पाइप इधर लगा देते हैं, एक साथ दोनों काम हो जाएंगे अपने। लो भाई इधर भी हो गया पानी फुल, फिलहाल इसको करते हैं बंद, ये पानी रख लेते हैं परिंदों के लिए, इधर करके रख देते हैं इसके ऊपर। चलो भाई मौज करो हूँ मौज। लो भाई बाइक आ गई है, लो जी अभी टाइम हो गया 4:20 या 4:15, तो पार्सल अपना सुबह का आ गया हुआ, तो मुझे कॉल आई थी, मैंने कहा चलो शाम को पिकअप कर लेंगे, अभी चलते हैं, मेरे ख्याल से 1.5 घंटा रह गया, बंद हो जाना ऑफिस 5 बजे, और 15-20 मिनट हमें जाते भी लग जाने हैं, इससे शायद ज़्यादा लग जाए। एक और बात, हम लोग जा रहे हैं रेगिस्तान में, कि हमारा रोड रेगिस्तान से कम नहीं है, तो फिलहाल हम लोग अपने कपड़े चेंज करके जाएंगे, क्योंकि अभी सुबह मैंने ये पहने हैं, तो चलो यार कपड़े चेंज करके चले फिर, टाइम कम है, तो लेट्स गो। बंद हो जा सिम सिम। चलो चले यार टाइम बहुत ही कम है, तो चलो जी निकलें, और बाइक इसमें पेट्रोल पहले चेक कर लें है कि नहीं, नहीं है, पहले पेट्रोल फिर आगे काम। चलो जी बिस्मिल्लाह तवक्कल तु अल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जल्दी से निकलते हैं इससे पहले कि ऑफिस बंद हो जाए। 5 बजे कॉल में मुझे बोला था, वैसे कॉल मुझे सुबह की आई हुई है, लेकिन मैंने कहा चलो, पहले मैंने तो पहन में ही जाने लगा था, 11 बजे करीब मुझे कॉल आई, लेकिन मेरा मूड था कि चलो जी नमाज पढ़ के चलेंगे जोहर की, लेकिन भाई साहब धूप इतनी ज़्यादा धूप और साथ गर्मी, मैंने कहा नहीं जी शाम को ही चलेंगे नमाज नमूज पढ़ के, तभी मैं एक मस्जिद में चला गया, वहाँ पर थोड़ी सी लेट होगी, इसकी वजह से भी टाइम भी काफ़ी हो गया, और आधा घंटा मेरे ख्याल से भी रह गया, उम्मीद है कि पहुँच जाऊँगा, नहीं तो फिर सुबह दोबारा से जाना पड़ेगा। चलो जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से, और मैं आपको धूल भी दिखाऊंगा कितनी ज़्यादा धूल है, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता इस रोड पे बाइक चलाने को। निकलो 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 निकलो, पहले इसमें डलवाएंगे पेट्रोल, क्योंकि बिल्कुल ही थोड़ा सा पेट्रोल है,
ऐसे में कहीं बंद होगी ना फिर खुआरी काटनी पड़ेगी। कुछ रास्ता भी हमारे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। चलो स्टॉप पे तो आ गए मेन रोड पे, अब यहाँ से पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं। देखो आप लोग धूल है, जितनी फोग होती है इससे ज़्यादा बुरा हाल है। खलो जा मैं कट लें। चलो यार यहाँ से पेट्रोल डलवा लेते हैं। 100 रुपये का 100 का। हाँ जी चल लग जाओ ना, तू रुस गई है। एक तो चाबी का इसका या स्विच भी खराब हो गया, इसके बड़े बड़े मसले हैं। चलो जी अब यहाँ से इन्होंने खुदाई शुरू कर दी है रोड की, आप लोग देख सकते हो। ओए ओए बच गए, टुकड़े लगी थी भाई। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ हम लोग ना बाजार में से चले जाते हैं, बाजार में से नहीं बल्कि हम लोग उधर से ना गली के अंदर से चले जाएंगे, गलियों में से इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सारा रोड ही ऐसे टूटा हुआ है। तो अभी यहाँ से बाजार स्टार्ट हो गया, लेकिन हम लोग इधर सीधा बाजार में नहीं, हम लोग यहाँ से राइट हो जाएंगे, फिर यहाँ से किसी गली में एंटर हो जाएंगे। तो टैंकी वाले गले में आ गए हम लोग, यहाँ से हम लोग किसी बाजार में गली में से एंटर हो जाते हैं, इस गली में से हो जाते हैं। लो जी ये हम लोग आ गए मोबाइलों वाली मार्केट। सही है, टाइम हो गया जी 4:40 हो गया, बस 20 मिनट बाकी हैं और उम्मीद है कि 5-10 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा। यहाँ से स्पीड ब्रेकर यार बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो शॉर्टकट कोई रास्ता लेते हैं भाई, इससे भी शॉर्टकट यहाँ से राइट हो जाते हैं। चलो जी हम लोग आ गए मेन रोड पे एक बार फिर से, और मिट्टी मेरी सारी आंखों में जा रही है। आप लोग देखो बहुत ही बुरा हाल है यार, क्या करें आप लोग। जब लोग पहुंच गए मैं आगे आ गया हूँ, लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा वापस करते हैं, लैपटॉप का दफ्तर था पीछे और वो रहा लैपर्ड, तो यहाँ से और रहते हैं, यहाँ से करो भाई करो। तो चलो जी यहाँ से अब अपना पार्सल पकड़ते हैं। सलाम अलैकुम, साइम अतीक के नाम से पार्सल होगा एक, साइम के नाम से। चलो जी पार्सल अपना ले लिया, अब चलते हैं वापस। पार्सल अपना ले लिया और दूर मेरे सारे मोबाइल पे चले गए, चाबी में बूंद लगा था इधर ही, सारी दूर मोबाइल पे जम गया है, इसकी वजह से स्पीकर भी जो सा ना आगे धूल ही धूल होती है स्पीकर के, तो मुझे जाके ये भी साफ़ करनी पड़ेगी। आपके चक्करों में मैंने अपना फ़ोन ख़राब करा लेना किसी दिन, या इसके तो इसका स्विच का बड़ा मसला है। चलो जी लग ही गया शुक्र है। चलो जी चले, अब ये दूसरी गाड़ी गुजर गया जिन्होंने 12 रुपये वाले की सजाई हुई है। किला जाना तो ऐसे ही है जैसे मौत को दावत देना। अरे भाई साहब घर से नहा दो के ऐसे पप्पू शप्पू बन के निकले हो ना, तो बहुत गलत किया आपने कि जाते आपका वो हाल होना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। लो ये तीसरी गाड़ी। चलो भाई रास्ता तो ओए भाई आराम से, क्या हो गया ट्रैफिक, आप लोग देख सकते हो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इधर। अब ये सिंगल रोड है, ओए 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 भाई इतना रिक्शे वाले कहाँ से, रिक्शे वाले ज़्यादा ही जल्दी होते हैं, बाइक वाले भी ज़्यादा। इस पंखे का नहीं एक अपना ही लैदा छोड़ा था, इसको मैं बंद करके वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ हमेशा, तो वीडियो अपनी एडिट हो गई है। आज 2 नहीं 3 कीबोर्ड इस्तेमाल हो गए हैं,
क्योंकि इसका बटन ख़राब हो गया स्पेस वाला, मेरे पास पुराना पड़ा होता, मैं चलो इसको यूज़ कर लेते हैं, ये काफ़ी स्मूथ है उस वाले से। लो जी, रेगिस्तान से वापस आ गए हैं, आपने देख लिया कितना बुरा हाल है, भला किसी का दिल करेगा इतनी दूर में जाने का, बस मजबूरी से जाना पड़ता है। तो मेरी जाके आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।